निगरानी में आज हमने तेलंगाना पुलिस के डायनेमिक एक्सीलेंट हीरो ऑफ द तेलंगाना स्टेट जिसने बहुत बड़ा अवार्ड हासिल किया है, हम जमान की दुआओं से डीसीपी सत्यनारायण सर के पास साउथ जोन के मुलाकात की। हमने कहा सर कि जो कल ईद होने की वजह से आज रात में कम से कम 12, 11:30, 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, तो किराने का शॉप से लोग खरीद लेंगे और रेडीमेड गारमेंट से खरीद लेंगे लोग कपड़े, तो उसी वक्त डीसीपी साउथ जोन को मैं सलूट को पेश करता हूँ और सिटी पुलिस कमिश्नर को सलूट पेश करता हूँ, डीजीपी सर को सलूट पेश करता हूँ, एसीपी सर को सलूट पेश करता हूँ और मेरे अपने हर दिल अजीज गोल्डन तेलंगाना के गोल्डन एसएचओ नवीन सर को सलूट पेश करता हूँ। तभी उन लोगों ने हामी भरी और कहा कि हमारे तरफ से आज इजाजत है 12 बजे रात तक आप दुकानें खुले रखकर अपने कारोबार कर सकते, जिसकी खुशी में तमाम ताजरों ने दिल की गहराइयों से तेलंगाना पुलिस के तमाम ऑफिसर्स को, तेलंगाना पुलिस को, सीपी सर को, डीसीपी सर को, एसीपी सर को, हमारे एसएचओ अपने नवीन सर को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। अब दूसरी बार यही तेलंगाना पुलिस की जानिब से हमारे एसएचओ नवीन सर की सरपरस्ती में अब तक 2000 से ज्यादा पॉलिथीन बैग डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और अब फिर कृष्णा सर जो यहाँ के सेक्टर के इंचार्ज है अपने, उन्होंने वहाँ पे सराला पे मौजूद है, वो बांट रहे हैं और हम इधर से लेके आ रहे हैं। आपको ये देने का मकसद यही है कि जैसे ही आप घर में कुर्बानी करेंगे इस कचरे को उसी वक्त अंदर डालेंगे और टीम बकरीद और तेलंगाना पुलिस जीएचएमसी हम लोग आके आपका कचरा उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि इस्लाम ने यह सिखाया है कि पाकी आधा ईमान है।